वेलकम बैक टू सूरज कंप्यूटर्स। आज हम आपको दिखा रहे हैं हमारे पास ये एप्पल का लैपटॉप आया है। मॉडल इसका आप देखोगे तो मैं आपको बताऊं, A1466 होता है ये लैपटॉप। बहुत चला है मार्केट में A1466 ही बहुत लैपटॉप चला है। तो आज हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या होता है, कहाँ इसमें ग्राफिक कार्ड होता है, चिप कौन सी होती है, SSD कौन सी होती है, ये सब हम आपको दिखाएंगे। सूरज कंप्यूटर्स पर एप्पल लैपटॉप आप देखोगे, यहाँ पे भी लैपटॉप बहुत एप्पल लैपटॉप का काम करते हैं। आपका कोई भी एप्पल का लैपटॉप हो, इस प्रकार आप देखोगे ये दूसरा एप्पल भी है। तो एप्पल के आप कोई भी, आपका कोई भी मॉडल हो एप्पल का, जब आप हम सब तरीके का एप्पल का लैपटॉप करते हैं, स्क्रीन, कीबोर्ड, टच पैड, बैटरी, SSD वगैरह, मदरबोर्ड भी आपको कोई चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं इसमें हम आपका कि मदरबोर्ड कौन सा होता है, क्या यहाँ हम क्या कर सकते हैं। ये डेल में आया है तो हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो हम इसको खोलते हैं। ये एप्पल का स्क्रू ड्राइवर जो होता है अलग ही आता है इसका, इसकी बिट बहुत अलग होती है, स्क्रू भी इसके बहुत अलग होते हैं। तो इस प्रकार आप स्क्रू वगैरह और स्क्रू ड्राइवर को आपको ध्यान रखना होता है कि भाई कौन सा यूज करना होगा। ये आप देखोगे इसके स्क्रू खुल गए हैं सारे, बहुत ईजी होता है हमें इसे खोलने के लिए। नॉर्मली कवर हमारा निकल जाता है। अब आप देखोगे ये SSD होती है, इसका कट अलग होता है। M.2 हमने कुछ उसमें देखा है कि इसमें कुछ बंदे हमें बताते हैं कि इसमें M.2 लग जाएगी, NVMe लग जाएगी, नहीं लगेगी। हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं इसका कट अलग ही होता है, ना M.2 में होता है ना NVMe में होता है, ये अलग ही तरह का कट होता है। मैं निकलवा के आपको SSD का कट भी दिखा देता हूँ। ये आप इसका कट देखोगे बिल्कुल मिडिल से थोड़ा होता है। आप M.2 का या NVMe का देखोगे वो पिन के हिसाब से होता है, 5 पिन पे कनेक्ट होता है और 4 पिन पे कट होता है। तो इसका अलग ही होता है SSD, आपकी नॉर्मल SSD इस पे नहीं लगेगी एप्पल पे। अब हम आपके इसके वाईफाई पे आते हैं। ये इसका वाईफाई होता है और आजकल के लैपटॉप में तो वाईफाई अब इनबिल्ड ही दे दिया है। एक चिप के साथ हमारा ये लगता है कनेक्टर, ये आपका एंटीना लग जाएगा तो रेडी हो जाता है। ये इसका बैटरी का कनेक्टर होता है, ये पूरी इसकी बैटरी होती है। ये आप देखोगे ये बैटरी है, बहुत इजी आप खुद भी लगा सकते हो खोल के यहाँ से इसको, हमको रिकनेक्ट ये हटा के कनेक्टर इसमें यहाँ पे लगाना होता है। थोड़े स्क्रू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 स्क्रू होते हैं इसमें। बैटरी में हमारी बैटरी खुल जाएगी, पेस्टिंग नहीं होती है। कुछ मॉडल में इसकी बैटरी पेस्टिंग होती है, जब 15.02 में देखेंगे तो हमारी बैटरी पेस्टिंग होती है, उसे आप नहीं लगा सकते। आप कोशिश भी मत करना कि उसमें क्या होता है, कभी आपका कीबोर्ड खराब हो जाता है या टच खराब हो जाता है, क्योंकि ये सब चीज इसी के नीचे होती है। आप देखोगे ये बैटरी के ही नीचे होती है, इसमें पे आप लगा सकते हो, ये स्क्रू पे होती है और कुछ मॉडल में ये पेस्टिंग के थ्रू होती है। तो आप उसमें बहुत ही ध्यान से खोलनी पड़ती है, आप तोड़ भी सकते हो या कुछ भी हो सकता है। ये यहाँ पे आप देखोगे ये स्पीकर होते हैं इसके, एप्पल के स्पीकर। एक ये स्पीकर होता है, दूसरा ये स्पीकर होता है, ये मदरबोर्ड पे कनेक्ट होते हैं। ये हमारा चार्जिंग सेक्शन होता है यहाँ पे, ये हमारा चार्जिंग सेक्शन है इसका। यदि हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है या कुछ हो रहा है तो हम इस पे भी चीज को देखते हैं, इस पे फोकस करते हैं क्या हो रहा है। ये हमारा फैन छोटा है, बहुत कम्पैक्ट सी मशीन होती है ये। तो इस प्रकार आप देखोगे ये मदरबोर्ड होता है। तो कुछ हमारी जो वीडियो बनाने का ये था, तो हमारा पर्पज ये था कि कुछ बंदों से हमारी इंक्वायरी हुई है कि भाई ये SSD नॉर्मल लग जाती है इसमें या अलग होती है। तो इसकी SSD अलग होती है, मैंने अभी आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाया है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें। धन्यवाद।